हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। चलिए घर, तो कंटिन्यूटी समझने के बाद मैथ्स का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं, क्या? डिफरेंशिएबिलिटी। इसको समझने के बाद जब आप डिफरेंशिएबिलिटी के सवाल करेंगे तो आपको सवाल करते समय आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि आपको इस चीज़ के बारे में पता है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आज के लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी को समझने की कोशिश करिएगा क्या होती है। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट इफ़ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये वाला जो इफ़ है ये वो इफ़ नहीं है जो इंग्लिश का इफ़ होता है ना, ये वो नहीं है, आई डबल एफ है। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो अभी मैं समझाऊंगा इसका ढंग से आपको मतलब। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसी भी पॉइंट पर तभी जब उसकी क्या होगी, एक यूनिक टेंजेंट होगी उस पॉइंट पर। मतलब कि एक ही टेंजेंट अगर होगी फंक्शन की तभी हम उसको डिफरेंशिएबल कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट हुई तो हम उसको डिफरेंशिएबल बिल्कुल भी नहीं कह सकते। आसान भाषा में आप ऐसे समझें कि किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएबल तभी कह सकते हैं जब आप उसका ग्राफ बनाएं और उसमें सिर्फ आपको एक ही टेंजेंट दिखाई दिए एक दिए गए पॉइंट पर। इसको हम इन दो ग्राफ की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, ये एक फंक्शन का ग्राफ है, मान लो कि ये एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। एफ एक्स इजिकल टू वाई एक फंक्शन है, उसका ग्राफ। तो ये पॉइंट पी मैंने ले रखा है, अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो एक ही तो टेंजेंट आएगी, एक से ज़्यादा तो नहीं आएगी। तो इसका मतलब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी है, अब अगर पॉइंट पी पर हम इसकी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक टेंजेंट तो इस तरीके से आएगी, ठीक है, और दूसरी जो टेंजेंट है वो इस तरीके से आएगी। तो इस फंक्शन की कितनी टेंजेंट आ गई, दो टेंजेंट आ गई, यूनिक टेंजेंट नहीं है। तो इसका मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसको डिफरेंशिएबल कहा जा सकता है। तो ज्योमेट्रिकली तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी फंक्शन की किसी दिए गए पॉइंट पर एक ही टेंजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर किसी फंक्शन की किसी दिए गए पॉइंट पर एक से ज़्यादा टेंजेंट है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। ज्योमेट्रिकली ऐसे होता है। एक और डेफिनेशन हमारे पास है, उसे भी देख लेते हैं क्या है। इन अदर वर्ड्स, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इफ़, ये वही वाला है इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला, द कर्व डज नॉट हैव अ कॉर्नर एट दैट पॉइंट। कोई भी फंक्शन किसी दिए गए पॉइंट पर तभी डिफरेंशिएबल कहलाएगा जब उस दिए गए पॉइंट पर उसमें कोई कॉर्नर ना हो। ये लिखा ना, नॉट हैव अ कॉर्नर एट दैट पॉइंट। अगर उस कर्व में उस दिए गए पॉइंट पर कोई कॉर्नर नहीं है तो हम उस कर्व को या फिर उस फंक्शन को, जिसका भी वो कर्व है, उसे डिफरेंशिएबल कह सकते हैं। तो आप ये कर्व देख रहे हैं, इसमें ये दिया गया पॉइंट है, यहाँ पर आपको कोई कोना दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इस कर्व को भी देखो, दिए गए पॉइंट पर कोना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो आसान भाषा में ऐसे समझो कि अगर कोना दिखाई दे जाए तो डिफरेंशिएबल नहीं है दिए गए पॉइंट पर, और अगर दिए गए पॉइंट पर कोई कोना नहीं दिखाई दे रहा, कॉर्नर नहीं है, तो वो डिफरेंशिएबल होगा। तो कोना है तो डिफरेंशिएबल नहीं, कोना नहीं है तो डिफरेंशिएबल है। तो ज्योमेट्रिकली मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये समझा दिया है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ दोनों डेफिनेशन को, क्योंकि मतलब समझ में आ जाएगा ना तो फिर सवाल करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का दोबारा से मतलब समझते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, किसी दिए गए पॉइंट पर अगर सिर्फ एक ही टेंजेंट है तो कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये रहा दिया गया पॉइंट, इस पर सिर्फ एक ही टेंजेंट है, अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट हो गई तो कहेंगे नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अगर आपका जो फंक्शन है उसका आप कर्व ड्रॉ करते हैं या ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसमें आपको कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलता है तो आप क्या कहेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है, और अगर आपको कॉर्नर पॉइंट मिल गया तो आप कहेंगे नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग समझने के बाद अब हम इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो, क्योंकि सवालों को करने में फार्मूला ही हमारे काम आएगा। तो चलते हैं अगले पेज पर। तो कोई भी फंक्शन
ज्योमेट्रिकली कैसे डिफरेंशिएबल होता है वो हमने पिछले पेज पर देख ही लिया कि उसमें ना तो कोई कॉर्नर होना चाहिए और उसकी एक यूनिक टेंजेंट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम हर बार ग्राफ बना के ये नहीं दिखा सकते कि हमें जो फंक्शन दे रखा है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, ग्राफ बना के हमेशा नहीं दिखाया जा सकता। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है एल्जेब्रिक मेथड की। तो एल्जेब्रिकली अगर किसी भी फंक्शन को ये दिखाना हो कि वो डिफरेंशिएबल है दिए गए पॉइंट पर या नहीं, उसके लिए हमें LHD और RHD निकालने पड़ते हैं। LHD और RHD, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल कर देते हैं तो वो फंक्शन दिए गए पॉइंट पर क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है। ये फार्मूला होता है डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का। इसको इस तरह से रीड करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये है राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल प्रूव कर देंगे तो वो फंक्शन दिए गए पॉइंट पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो एल्जेब्रिकली ऐसे किया जाता है। लेकिन ये फार्मूला आता कहाँ से, ये हम यहाँ पे बराबर में करेंगे इसका डेरिवेशन। तो ध्यान से इसके डेरिवेशन को समझ लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। डिफरेंशिएबल हम इसे इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इस पूरे कर्व में कहीं भी कोई कॉर्नर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो कॉर्नर जब नहीं दिखाई देता तो वो जो कर्व होता है जिस फंक्शन का, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएबल। फिलहाल मैंने इस कर्व के ऊपर तीन पॉइंट ले लिए हैं, पी क्यू और आर, ठीक है। सबसे पहले हम इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो अगर हम पी के कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा कैसे लिखेंगे। पी के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम ये डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम कितने चले। तो मान लो कि यहाँ पे हम कोई कॉन्स्टेंट चलें जैसे कि सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी हो गई। तो ये वाली जो दूरी है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एफ सी। आपको ये पता होगा, आपने 11th में भी जब इस तरह के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि अगर आप इसको x लेते हैं तो ये fx है, अगर आप इसको y लेते हैं तो ये fy है। तो इस तरह से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे C, FC, क्लियर। अब इसी तरह से एक दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ज़रा, पहले इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। और क्योंकि ये डिस्टेंस जो है C से थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसलिए हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं H, ठीक है। तो पॉइंट Q तक जाने के लिए हम x एक्सिस पर कितना चले हैं, C प्लस H कॉमा, और y पर कितना चले। अगर आप x पे चले हैं C प्लस H, तो y पर आप चलेंगे FC प्लस H। ध्यान दीजिएगा ज़रा इस बात पर। जैसे P के कोऑर्डिनेट निकालते समय हमने कहा था कि ये C है तो ये FC है, तो C, FC P के कोऑर्डिनेट हो गए। ऐसे ही Q के कोऑर्डिनेट निकालते समय हमने देखा कि ये डिस्टेंस है C प्लस H, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, FC प्लस H। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, अगर कोई कमी रह गई है तो R में देख लेना। R के लिए भी हम ये जो दूरी है इस दूरी को H मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी थी वो कितनी थी, सी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, C माइनस H, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी C माइनस H। इस हिसाब से R के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ध्यान से देखिएगा ज़रा। R के कोऑर्डिनेट बनेंगे C माइनस H कॉमा FC माइनस H। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने कैसे निकाले, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं पॉइंट P के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो इस तरह से मैंने पॉइंट P के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। वैसे भी पॉइंट P के ऊपर एक ही टेंजेंट हो सकती है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसकी एक यूनिक टेंजेंट होती है, उसके ऊपर आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं P और Q से होते हुए एक सीकेंट भी यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ, उसको भी देख लीजिए। तो इस तरह से मैंने पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से होते हुए एक सीकेंट ड्रॉ कर दी। सीकेंट किसको बोलते हैं, जो किसी भी कर्व के दो पॉइंट से पास होती है, और टेंजेंट किसको बोलते हैं, जो एक पॉइंट से टच करते हुए निकल जाती है, ठीक है। तो एक सीकेंट तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया जो पी और क्यू से पास हो रही है, और दूसरी सीकेंट ये ड्रॉ कर दिया जो आर और पी से पास हो रही है। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखनी है कि हम इस पी क्यू की जो स्लोप है उसको किस तरीके से निकालेंगे। 11th क्लास में हमने स्लोप निकालने का फार्मूला याद किया था, उसको एक बार हम याद कर लेते हैं दोबारा से। लिखते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ पी क्यू।
तो किसी भी लाइन की स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। तो वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू क्या है एफ सी प्लस एच और वाई वन क्या है एफ सी। तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू क्या है सी प्लस एच और एक्स वन क्या है सी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी और नीचे डिवाइड में क्या आएगा एच, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो टेंजेंट है हमें इसकी, सॉरी ये जो सीकेंट है हमें इसकी स्लोप टेंजेंट की स्लोप के इक्वल करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट क्यू है इसको धीरे धीरे अप्रोच करवाना पड़ेगा किसकी तरफ, पी की तरफ को। क्योंकि जैसे ये पॉइंट क्यू पी की तरफ बढ़ेगा, तो जैसे जैसे ये पॉइंट क्यू इसके पास आता जाएगा वैसे वैसे ये सीकेंट जो है ना ऐसे होती चली जाएगी और ये सीकेंट क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो सीकेंट की स्लोप को टेंजेंट की स्लोप के इक्वल लाने के लिए पॉइंट क्यू को अप्रोच करवाना पड़ेगा किसकी तरफ, पी की तरफ। अब जैसे जैसे पॉइंट क्यू पी की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये वाली जो डिस्टेंस है जिसको हमने एच मान रखा है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, और ये डिस्टेंस रिड्यूस होते 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 क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीकेंट की जो स्लोप है उसको टेंजेंट की स्लोप के इक्वल करने के लिए या फिर सीकेंट को टेंजेंट बनाने के लिए हमें पॉइंट क्यू को पी तक पहुंचाना पड़ेगा, मूव करवाना पड़ेगा, और पॉइंट क्यू जब पी तक पहुंचेगा तो उस केस में एच क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी जब मूव करेगा क्यू की तरफ, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है, क्यू जब मूव करेगा पी की तरफ तो एच किसकी तरफ मूव करेगा, ज़ीरो की तरफ, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एच टेंस टू ज़ीरो। एच टेंस टू ज़ीरो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम सीकेंट की स्लोप को टेंजेंट की स्लोप के क्या करना चाह रहे हैं, इक्वल करना चाह रहे हैं। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक यूनिक टेंजेंट होती है किसी भी कर्व की। तो जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे एच टेंस टू ज़ीरो, तो स्लोप ऑफ पी क्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट के। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये सीकेंट है पी क्यू, अगर आप इसकी स्लोप निकालना चाहते हैं तो वो 11th वाला फार्मूला लगा देंगे कि वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो वही हमने लगाया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये बचा, फिर हमने कहा कि अगर हम इस सीकेंट को टेंजेंट बनाना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट क्यू को धीरे धीरे यहाँ तक लाना पड़ेगा, क्यू तक, पॉइंट क्यू को पी की तरफ अप्रोच करवाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे पॉइंट क्यू पी की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये जो डिस्टेंस है एच ये रिड्यूस होते होते क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ये डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी जैसे जैसे क्यू पी की तरफ पहुंचेगा। तो अगर आप स्लोप ऑफ पी क्यू को टेंजेंट की स्लोप के इक्वल करना चाहते हैं तो उसके लिए एच टेंस टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वाली बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ऐसा ही काम हम इसके लिए भी करेंगे, ये जो आर वाला पॉइंट है इसको भी पी तक अप्रोच करवाएंगे ताकि आर पी की जो स्लोप है, आर पी जो सीकेंट है उसकी स्लोप किसके इक्वल हो जाए, टेंजेंट की स्लोप के इक्वल हो जाए। इसको हम अगले पेज पर लेते हैं। तो अगले पेज पर मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ आर पी। अब आर पी की स्लोप निकालनी तो वही फार्मूला लगेगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। एक बार जरा ग्राफ में फिर से देखिए, तो ये ग्राफ है और ये आर पी है। आर पी जो है अभी क्या है, सीकेंट है, क्योंकि वो दो कर्व दो पॉइंट से पास हो रही है कर्व के ऊपर। तो अगर हमें इसकी स्लोप निकालनी है तो वाई टू माइनस वाई वन देखिए किस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से ले लेंगे कि वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, क्योंकि अभी हम आर से पी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ले लेंगे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो मैं इसको लिख रहा हूँ अगले पेज पर, वाई टू क्या था एफ सी माइनस एच माइनस वाई वन क्या था एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी। एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ में, ये देखिए एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी और सी माइनस एच माइनस सी, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया है, उसके बाद फिर सी से सी कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस का एच, ठीक है। हम एक काम कर सकते हैं कि ये माइनस ऊपर दे सकते हैं, ऊपर करने से क्या होगा कि ये आगे आ जाएगा और वो पीछे चला जाएगा, मतलब ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा, लेकिन ऐसा करने की कोई खास ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे वो बात समझनी है कि अगर हमें आर पी जो सीकेंट है उसको टेंजेंट बनाना हो
या ऐसा कहें कि आरपी की स्लोप को टेंजेंट की स्लोप के इक्वल करना है, तो ये आर को किधर मूव करवाना पड़ेगा, पी की तरफ, आर को पी की तरफ अप्रोच करवाना पड़ेगा। इस केस में ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एच वाली जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एच टेंस टू ज़ीरो लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच टेंस टू ज़ीरो, तो उससे क्या होगा कि स्लोप ऑफ आर पी भी किसके इक्वल हो जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट के, स्लोप ऑफ टेंजेंट के। इस तरह से ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब देखो जरा कहाँ गया, इक्वेशन फर्स्ट में ये जो था ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल था, और इक्वेशन सेकंड में ये जो हमने लाए हैं स्लोप ऑफ आर पी, ये भी किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के। तो दोनों इक्वेशन से ये पता चलता है कि ये वाला जो है स्लोप ऑफ आर पी किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ पी क्यू के। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इस तरह से मैंने लिख दिया कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें ये पता चलता है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच, मतलब ये पूरा इस पूरे के क्या होगा, इक्वल होगा। इसे कहते हैं एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और उसे कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इस तरह से हमने फार्मूला ड्राइव किया। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये फार्मूला ड्राइव हुआ कैसे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमने एक ऐसा कर्व बनाया जो कि कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबल का मतलब उसमें कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोना नहीं होना चाहिए इस टाइप का कोना। ठीक है, ऐसे केस में टेंजेंट एक से ज़्यादा हो जाती है। तो उस कर्व को बनाने के बाद हमने उसके ऊपर तीन पॉइंट लिए, पी, क्यू और आर। और सबसे पहले हमने उन तीनों के कोऑर्डिनेट निकाले, जैसे कि पी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को सी मान लिया था, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई थी एफ सी, तो पी के कोऑर्डिनेट आ गए। बिल्कुल इसी तरह से क्यू के और आर के कोऑर्डिनेट भी आ गए। उसके लिए हमने क्या किया था कि जैसे यहाँ से यहाँ तक सी था, तो इस वाली डिस्टेंस को हमने एच मान लिया था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई थी सी प्लस एच, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी एफ सी प्लस एच। तो इस तरह से क्यू के कोऑर्डिनेट भी आ गए और आर के कोऑर्डिनेट भी आ गए। इसके बाद हमने क्या किया, पी के ऊपर इस कर्व की टेंजेंट ड्रॉ कर दी। हम जानते हैं कि किसी भी डिफरेंशिएबल कर्व की जो टेंजेंट होती है वो यूनिक होती है, एक ही टेंजेंट हो सकती है। ठीक है, फिर भी हमने मान लिया कि पी से एक टेंजेंट ऐसे जा रही है, एक टेंजेंट ऐसे जा रही है। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये टेंजेंट नहीं है, ये क्या है, सीकेंट है, क्योंकि दो पॉइंट से क्रॉस हो रही है। तो अगर हम इस सीकेंट को टेंजेंट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीकेंट की स्लोप को टेंजेंट की स्लोप के इक्वल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमने सीकेंट की स्लोप निकाली 11th वाला फार्मूला लगा के, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन सीकेंट की स्लोप को टेंजेंट की स्लोप के इक्वल करने के लिए, या फिर सीकेंट को टेंजेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू को धीरे धीरे पी की तरफ अप्रोच करवाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे क्यू पी की तरफ पहुंचेगा वैसे वैसे ये जो टेंजेंट, सॉरी सीकेंट दिखाई दे रही है ना, ये इस तरीके से होती चली जाएगी और ये क्या बनती चली जाएगी, टेंजेंट बनती चली जाएगी। तो यानी कि क्यू को पी की तरफ अप्रोच करवाना पड़ेगा। अब जब क्यू पी की तरफ अप्रोच करेगा तो एच किसकी तरफ अप्रोच करेगा, ज़ीरो की तरफ। इसका मतलब कि अगर एच ज़ीरो बन जाता है, ज़ीरो की तरफ अप्रोच करता है, तो सीकेंट की जो स्लोप है वो टेंजेंट की स्लोप के क्या हो जाएगी, इक्वल। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, कि एच किसकी तरफ मूव कर रहा है, ज़ीरो की तरफ। तो उससे क्या होगा कि स्लोप ऑफ पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट के। बिल्कुल ऐसा ही हमने स्लोप ऑफ आर पी के लिए भी किया कि आर जब पी की तरफ अप्रोच करेगा तो आर पी जो सीकेंट है वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो बाद में हमने स्लोप ऑफ आर पी को भी टेंजेंट की स्लोप के इक्वल कर दिया। अब दोनों ही टेंजेंट की स्लोप के इक्वल हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल अगर हो जाए तो आप उस फंक्शन को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल कहेंगे एलजेब्रिकली। तो अब हमें जो भी फंक्शन मिलेगा एलजेब्रिकली डिफरेंशिएबल करने के लिए, तो उसमें हम पहले एलएचडी निकालेंगे, फिर आरएचडी निकालेंगे, और फिर ये दिखाएंगे कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो आप ज्योमेट्रिकली और एलजेब्रिकली दोनों तरीके से किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल करके दिखा सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली का फिर से बता देता हूँ एक बार। ज्योमेट्रिकली तो ऐसे है कि अगर कोई कॉर्नर नहीं है या यूनिक टेंजेंट है तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर कोई कॉर्नर है, एक से ज़्यादा टेंजेंट है, तो वो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। और एलजेब्रिकली के लिए आपको एलएचडी और आरएचडी निकालने होंगे। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है, तो हो समझ में आ ही गया होगा। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में एक ज़रूरी बात और समझ लेते हैं। थ्योरम 3 जो हमारी बुक में दे रखी है एनसीईआरटी में पेज नंबर 163 पर, उसके अकॉर्डिंग
इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है देन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होगा 100%। मान लो कि ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसमें कोई कॉर्नर नहीं है, तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन 100% कंटिन्यूस भी होगा। इसे आप एज अ रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं एक नंबर के सवालों के लिए। मान लीजिए कि आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव कर दिया, तो आपको उसे कंटिन्यूस प्रूव करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप ये लिखेंगे सीधा थ्योरम 3 कि हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, अब इसके नीचे आ जाओ जरा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स क्या बनेगा, देखो पहले सीधा देख लो कि अगर कोई डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, तो उल्टा क्या बनेगा कि अगर कोई कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। अब ये जो ग्राफ है इसको तुम पहचान पा रहे होंगे कि ये ग्राफ होता है मोड फंक्शन का ग्राफ, और मोड फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अगर एक्सरसाइज 5.1 अच्छी तरह से पढ़ी है तो पता होगा कि मोड फंक्शन इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो ये फंक्शन इसका मतलब कंटिन्यूस तो है, लेकिन क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर इसके अंदर एक कॉर्नर आ रहा है, या फिर ऐसा कहेंगे कि इसके अंदर दो टेंजेंट आ रही हैं। ठीक है, तो हम इसे डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते। तो उम्मीद है कि थ्योरम 3 समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा किसी दिए गए पॉइंट पर, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये थ्योरम 3 थी, मैंने आपको दो ग्राफ की मदद से समझाने की कोशिश की है। बार बार रिपीट कर करके देखिए जब तक समझ में ना आए। अब थ्योरी ख़त्म हो चुकी है, अब अपने सवाल करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो सवाल ही आएंगे ना करने के लिए, लेकिन ये भी आ सकते हैं प्रूव करने के लिए डेरिवेशन या थ्योरम कुछ भी। ठीक है, चलिए सवालों की ओर सवाल करते हैं। तो हमारी बुक में डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने के या फिर उसको ना प्रूव करने के ज़्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ दो ही सवाल हैं। एक्सरसाइज 5.2 में सिर्फ सवाल नंबर 9 और 10 ही ऐसे हैं जिसमें हम वो जो फार्मूला अभी अभी ड्राइव किया था उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में सवालों की कोई कमी नहीं है, एग्ज़ाम में बहुत सवाल आ सकते हैं इसके ऊपर। तो बहुत ध्यान से सवाल नंबर 9 को समझिएगा किस तरीके से करेंगे। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एक्स इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक मोड फंक्शन है और मोड फंक्शन कंटिन्यूस होता है, अच्छे से जानते हैं हम, लेकिन हमें कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी इसकी, हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। हमें ये पता लगाना है कि ये फंक्शन 1 पर, पता नहीं लगाना, प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसके लिए पहले मैं वो फार्मूले लिखता हूँ जो अभी अभी हमने ड्राइव किए थे। तो ये फार्मूले हम अभी अभी ड्राइव करके आए हैं। हमें अगर किसी फंक्शन को किसी दिए गए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल प्रूव करना है तो उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या करना पड़ेगा, इक्वल। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, बड़ी मेहनत से हमने निकाले थे अभी अभी, ये देख लो ये निकाले थे ना इस तरीके से। तो अब ये फार्मूले लगा तो दिए हमने, ये काम कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो आप सी देख रहे हैं ना, सी उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पे हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं, और वो पॉइंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो जितने भी सी हैं ना मैं उनकी जगह पे 1 लिख देता हूँ। तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये थोड़ा सा अलग है उससे कंटिन्यूटी से। एफ सी की जगह पर क्या आएगा, हमारा पॉइंट जिस पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं 1, माइनस एफ सी की जगह क्या आएगा 1 हमारा पॉइंट, माइनस एच। ठीक है, ऐसे उधर बड़े ध्यान से देखना क्योंकि सवाल बस दो ही हैं, एक आधा मैं अपने पास से करवा दूंगा, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें अपने पास से सवाल लेने पड़ेंगे या फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा तुमको। एफ सी प्लस एच, तो एफ 1 प्लस एच क्योंकि हमारा पॉइंट 1 है, सी की जगह फिर से क्या आ जाएगा 1 अपॉन एच। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 ऐसे ही रहेगा, एफ 1 माइनस एच की जगह देखो क्या आएगा, अगर एफ एक्स ये है तो एफ 1 माइनस एच क्या होगा, मॉड एक्स की जगह आएगा 1 माइनस एच माइनस 1, ये
और माइनस एफ वन की जगह क्या आएगा भाई, जहाँ यहाँ पे एक्स है तो उधर एक्स है, यहाँ वन है तो यहाँ वन आ जाएगा, तो वन माइनस वन अपॉन माइनस का एच ऐसे ही रहेगा। बड़े ध्यान से इधर देखिएगा आप, एफ वन प्लस एच, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा वन प्लस एच माइनस वन, और माइनस एफ वन की जगह क्या आएगा भाई, एक्स की जगह वन रख दो बस, वन माइनस वन अपॉन एच। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं, बस लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, वन से वन क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस का एच बचेगा, मोड से बाहर निकल कर बन जाएगा प्लस का एच, इधर बचेगी ज़ीरो और नीचे क्या है माइनस का एच। बड़े आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपने भी दिमाग में जल्दबाजी बिल्कुल मत रखा करो अगर सीखना है कुछ तो। वन से वन यहाँ भी कट जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का एच मिलेगा, यहाँ पे ज़ीरो मिलेगी पिछली बार की तरह से, तो उसको नहीं लिखता हूँ, और नीचे क्या है एच। ठीक है, इसके बाद आगे आखिरी स्टेप बचा बस, माइनस एच से ये कट जाएगा तो माइनस का वन आएगा और उधर क्या आएगा प्लस का वन। तो हमने देखा कि एल एच डी जो है वो नॉट इक्वल है किसके, आर एच डी के, इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल, द फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो बड़े आराम से हमने प्रूव कर दिया, एक बार फिर से पूरे सवाल को देखते हैं शुरू से। तो हमारा सवाल इस तरीके से था कि प्रूव करो कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू वन पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसके लिए हमने एल एच डी का फार्मूला लिखा और आर एच डी का फार्मूला लिखा, और यहाँ पर ये जो c होता है, c की जगह हम वो पॉइंट लिखते हैं जहाँ पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है, तो c जहाँ जहाँ पर था सब जगह पर हमने क्या लिख दिया, वन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बस फंक्शन पुट कर दिया, जैसे कि एफ वन की जगह क्या करा एक्स की जगह वन लिख दिया, एफ वन माइनस एच की जगह क्या करा एक्स की जगह वन माइनस एच रिप्लेस करके लिख दिया, ऐसे इधर किया, फिर सब कट बैठ गया, और देखो मोड के अंदर माइनस एच जो है वो क्या बन जाएगा प्लस एच, वन में से वन जाके क्या बचेगी ज़ीरो, और एच से एच कट के क्या बचेगा वन बचेगा, और साथ में माइनस है, इसी तरह से दूसरी तरफ क्या बचा था प्लस का वन, एल एच डी आर एच डी इक्वल नहीं आए, तो पता चला कि फंक्शन क्या है नॉट डिफरेंशिएबल। उम्मीद है कि समझ गए होंगे अच्छी तरह से, एक और करते हैं ढंग से समझने के लिए। चलिए घर, तो एक और सवाल हमारी बुक में दे रखा है, एक्सरसाइज 5.2 का 10वां सवाल, यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाय दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू टू। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है हमें, ये वन पर और टू पर क्या होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस सवाल को करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये कैसे काम करता है इसके लिए आपको एक्सरसाइज 5.1 के सवाल नंबर 19 में ढंग से सिखाया गया था, बल्कि मैंने उसकी एक अलग वीडियो बना के डाल दी थी ताकि उसको हर कोई समझ सके। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, वन पे कंटिन्यूटी तुम चेक कर लेना, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी, और टू पे मैं चेक करता हूँ, पूरे धैर्य के साथ ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो मैंने फार्मूले लिख दिए हैं, एल एच डी का फार्मूला ये रहा, आर एच डी का फार्मूला ये रहा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, ये तुम चेक करोगे इस पे, मैं टू पे चेक कर रहा हूँ। तो सी क्या होता है, सी वो पॉइंट होता है जिस पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे होते हैं, तो फिलहाल मैं किस पे चेक कर रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी, टू पर। तो जितने भी सी हैं ना सबकी जगह पहले तो मैं टू लिख देता हूँ, यहाँ पे टू लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, जल्दी से लिख देता हूँ। तो मैंने जितने भी सी थे उन सब की जगह पे क्या लिख दिया है, टू लिख दिया है। अब बढ़ते हैं आगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एफ टू माइनस एच की जगह देखो क्या आएगा, एफ एक्स अगर ये है तो एफ टू माइनस एच क्या होगा, टू माइनस एच ये होगा। ठीक है, माइनस एफ टू क्या होगा ब्रैकेट के अंदर टू, और ये ब्रैकेट कोई ऐसा वैसा ब्रैकेट नहीं है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट माइनस का एच। और जिन्हें ज़्यादा नहीं पता ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, सवाल नंबर 19 देख लेना, 15 मिनट का सवाल है, बढ़िया तरह से पता चल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, वैसे तो 11th में ही पता चल जाना चाहिए था। एफ टू प्लस एच, एफ टू प्लस एच की जगह फिर वही आएगा, टू प्लस एच माइनस एफ टू, एफ टू की जगह भी वही आएगा ब्रैकेट के अंदर अपॉन नीचे क्या है एच। अब यहाँ पर काम करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बड़े ध्यान से देखिएगा पूरे फोकस के साथ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम कैसे करता है।
सबसे पहले तो इसको देखो, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ। टू माइनस एच की जगह मैंने एक तो ब्रैकेट बदल के टू माइनस वन लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट हटा के नॉर्मल ब्रैकेट लगा दिया, टू का टू लिख दिया अपॉन माइनस का एच, नीचे चल ही रहा है। ठीक है, बताओ समझे कि नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पता है ना कि अगर हम उसके अंदर कुछ मान लो टू में से कुछ भी छोटा सा माइनस कर रहे हैं, एच का मतलब कोई भी छोटी सी वैल्यू, तो उसका सीधा मतलब है कि हमने क्या माइनस कर दिया है, वन माइनस कर दिया। इसी तरह से दूसरी तरफ अगर हम कुछ प्लस करते हैं टू में या थ्री में, कुछ भी प्लस करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो इसका मतलब होता है कुछ भी प्लस नहीं हुआ। ज़्यादा जानकारी के लिए एक्सरसाइज 5.1 का सवाल नंबर 19 देख लें, उसमें पूरी डिटेल मैंने दे रखी है। अब बार बार डिटेल दूंगा तो आधे आधे घंटे के सवाल हो जाएंगे सारे। ठीक है, फिलहाल इतना रटने वालों के लिए इतना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर आप किसी कॉन्स्टेंट में से कुछ छोटी सी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि आप वन माइनस करेंगे, और अगर आप किसी कॉन्स्टेंट में कोई छोटी सी वैल्यू प्लस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ भी प्लस नहीं हो रहा। और अगर कोई कांस्टेंट इंटीजर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, वो एज इट इज़ आ जाता है। जैसे टू का टू आ गया, इधर भी टू का टू आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, भैया इसे ज़रूर देख लेना जिन्हें नहीं पता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ढूंढ लेना, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मेरा नाम डाल के तब एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर डाल देना। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और ना मिले तो मुझे लिख देना कमेंट्स में, मैं बता लिंक भेज दूंगा। टू में से वन गया तो क्या बचा, वन, और वन में से टू गया तो क्या बचेगा, माइनस का वन अपॉन माइनस का एच। ठीक है, फाइनली यहाँ पर आएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो वन अपॉन एच, ये बचेगा इधर की साइड। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, टू में से वन जाके वन, और माइनस टू में से वन गया तो माइनस का वन। हाँ ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर आएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, टू में से ज़ीरो गया तो क्या बचा, ज़ीरो अपॉन एच, और ज़ीरो को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ज़ीरो आता है। इधर तो ज़ीरो आ रहा है, और जब यहाँ एच की जगह ज़ीरो रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। यहाँ रख सकते हैं ज़ीरो, देखो ज़ीरो बस तभी नहीं रखते एच की जगह जब ये वाली फॉर्म बने, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जिसको कहते हैं, ये रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि एल एच डी आर एच डी फिर से इक्वल नहीं आए, एल एच डी इज़ नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो इसका मतलब क्या है कि एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल एट एक्स इजिकल टू क्या था, टू। समझ गए, इसी तरह से वन की प्रैक्टिस ज़रा खुद कर लेना, और यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का रोल है इसको देखने के लिए ये जरूर कर लेना। ठीक है, तो मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी के जो सवाल थे हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 में दे रखे थे 9 और 10, उनको करवा दिया है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं इसके पीछे दे रहता हूँ, क्वेश्चन दूंगा और वीडियो के लास्ट में उनके सॉल्यूशन भी दे दूंगा। आरडी शर्मा के सवाल हैं, उनको ज़रूर करके देख लेना। ठीक है, थैंक यू। ये मैंने 4 सवाल लिख दिए हैं, इनकी सबकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। जैसे पहला सवाल है, शो दैट दिस फंक्शन, जो कि एक मोड फंक्शन है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, दूसरा, शो दैट दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू टू। तुम सोच रहे हो सारे नॉट डिफरेंशिएबल के ही आ रहे हैं, कोई डिफरेंशिएबल का आ ही नहीं रहा, तो ये आ गया। तीसरा, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल होगा, ये तुम्हें प्रूव करना है। इसको देख कर डरना मत, क्योंकि ऐसा सवाल कंटिन्यूटी में कर चुके हो। फोर्थ, शो दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो लास्ट के दोनों को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, और ऊपर के दोनों को नॉट डिफरेंशिएबल करना है। ऊपर के दोनों में एल एच डी आर एच डी इक्वल नहीं आएंगे, नीचे वाले के दोनों में एल एच डी आर एच डी इक्वल आएंगे। सपोर्ट के लिए मैंने सॉल्यूशन भी वीडियो के एंड में दे दिया है। आर डी शर्मा के सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से हल्के से डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपको गलत सिखा रखा है कुछ, मैंने सब बढ़िया सिखा रखा, तुम्हें आसान तरीके से करना। ठीक है, तो कर लेना। बस आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत मेहरबानी, आपने पूरा लेक्चर पूरे ध्यान से देखा शुरू से एंड तक, और ऐसे ही देखते रहिएगा, इंटेलिजेंट बन जाएंगे मैथ्स में। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है,
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।